ಲೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಕ ನೋವು ಸೌದ ಎಕ್ಲೆಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸಿ ಭಯದ ಮಯ ಬಿದ್ದೇನೆ ಸಮ ಕಾಳ क्या फायदा है का छो यार छोरो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर अफसियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सब बहन भाइयों की दुआ से। बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी कल, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब अम्मी जान घर पे पहुंची तो काफ़ी परेशान थी और रो रही थी। रात 10 बजे यूसुफ भाई की बच्ची की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नेक रूह थी और जन्नत का फूल, क्योंकि 10 दिन इस दुनिया में वो आई और फिर इस दुनिया से चली गई। अब उनकी तदफीन भी हो चुकी है और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सब्र जमील अता फरमाए। यूसुफ भाई की हालत तो ख़राब है, कभी भी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा वो नहीं रोए जो रात से वो बेचारे रो रहे हैं। 9 दिन उनके पास रही, लेकिन इतनी वो दिल में जगह कर गई थी सबके दिल में। और पहली रात हम उसे अपने घर पे लेकर आए थे और वो हमारे घर पे रही, क्योंकि भाभी मेरी वो हॉस्पिटल में थी
और अम्मी जान उसे घर पे ले आई थी। तो 9 दिन यहाँ पे रही और कल वो इस दुनिया से चली गई। हमारी दुआ है कि सबको अल्लाह ताला सब्र दे, सब घर वालों को। बाकी जो दिल में जगह कर लेते हैं ना, तो वो उनको भुलाना काफ़ी मुश्किल होता है। यूसुफ भाई की और भाभी की हालत काफ़ी ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। दुआ करते हैं, आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है। तो 8 बजे उनका नमाज जनाजा था और मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों से भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारी दुआ है। और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक थी और आपने देखा था, इतनी प्यारी थी, इतना अल्लाह ताला ने उसे हुस्न दिया था, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और ऐसा महसूस होता था जैसे 1 साल का बच्चा होता है, हालांकि 9 दिन यहाँ पे रही, 9 दिन की थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 1 साल की बच्ची हो। और माशाल्लाह इतना अल्लाह ताला ने उसे हुस्न दिया था, इतना हसीन थी, वो सबके दिल में जगह कर गई थी। आप सब बहन भाइयों को भी दिखाया था वीडियो में, उनका नाम भी नहीं रखा था, रात यूसुफ भाई ने उसका नाम जो है ना कन्फर्म किया, कुर्रतुल ऐन। और छोटे बच्चे जो इस दुनिया से जाते हैं वो अपने वालदैन की बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, और वो अपने वालदैन को उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाते हैं, जो छोटे बच्चे इस दुनिया से जाते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। और आपकी भाभी वहीं पर गई हुई है, उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और ये भी काफ़ी परेशानी हुई हमें कल। कल का दिन जो गुजरा ना, एक तो भाग दौड़ में गुजरा और परेशानी में गुजरा। जी तो आपकी भाभी भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब मैं उम्मीद की दूर से जी मैं उधर ही रही, क्योंकि रात से जो है ना भाभी जान की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी बेहोशी हालत में जा रही है। अल्लाह पाक खैर करे। आप सब मैन भाइयों ने दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह ताला जो ना उन्हें जल्दी ठीक कर दे भाभी जान को, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि वालदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है जब औलाद चली जाए, चाहे कुछ दिन की भी हो, तो काफी परेशानी होती है और बड़ा सदमा होता है वालदैन के लिए। और ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी, सीरियसली। वो हमारे पास जो ना कितना दिन लगा के गई है, 9 दिन लगा के गई है। वो बच्चे के दिल में जगह बना के गई है, सबके दिल में जगह बना के गई है। वो रात से जो ना उसके जो ना वो फौत हो गई, वो रात से जैसे भी हमने उसको वो उसे दे के सुलाया, वैसे के वैसे सोई पड़ी थी बिल्कुल। हालांकि जब बंदे की डेथ होती है, बच्चे की डेथ होती है, तो अकड़ा हो जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे की वैसी थी। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि इनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल जिस तरह उनका बाजू साइड पे किया, उसी तरह साइड पे चला गया, अगर मुंह साइड पे किया तो, यानी कि बिल्कुल उसका जिस्म नरम था जी। और बच्चे जो थे उनके भाई, दो बहनें हैं और 3 भाई हैं, 3-5 बच्चे जो है ना रात से रो रो के उसका जो ना उनका बुरा हाल है, बच्चों का भी। और भाई आया, वो भी उसका भी हालत खराब, भाभी जान की भी हालत खराब, उससे तो रात से इंजेक्शन वगैरह बहुत तलबी भी बहुत लगी हुई है उसे। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। सब बहन भी उसे गुजारिश है, दुआ करें, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो इसीलिए हमारा वैसे दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन आप सब बहन भाइयों से शेयर कर रहे हैं ताकि हमारा मन हल्का हो जाए जी। और सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सब्र दे। और तो हमारे बस में कुछ नहीं, अल्लाह की रजा में इंसान को राजी रहना चाहिए, लेकिन वालदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। यूसुफ भाई रात से बेचारा रो रो के उसकी बुरी हालत है। वो कहता है कि ऐसी जगह बना गई है वो हमारे दिल में, वो भूल भी नहीं रही हमें, हम नहीं भुला सकते उसे। लेकिन उसके दिन यही थे और वो तो जन्नत का फूल है और वालदैन के लिए एक बख्शिश का जरिया है। और तो वीडियो पहले हबीबुल्लाह ने कुछ क्लिप बनाए हैं, मैं नहीं बना सका, ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी। ये जो कुछ क्लिप पहले सारे टोटल बनाए हैं जनाजे के, हबीबुल्लाह के पास था मोबाइल, तो उसी ने बनाए हैं। बाकी मैंने जब सलाम दुआ की तो मैंने मोबाइल लिया, तो फिर मैंने देखा क्लिप बने हुए थे,
तो शक्ल इसलिए हमने नहीं दिखाई क्योंकि YouTube पे अलाउ नहीं है, मैंने ब्लर कर दिया। अगर कोई देखना चाहे हमारी भतीजी को तो WhatsApp नंबर है ये, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आप सबको उनकी वीडियो और उनकी पिक्चर सेंड कर दूंगा। तो बाजू मेरा थक गया, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सही है। और मैं क्या क्या कह रही थी, हाँ जब वो पैदा हुई ना तो सासु माँ इधर ही ले आई थी हमारे पास। हाँ। जब वो आई सीरियसली इतना प्यारी, इतना प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी। हमने वीडियो भी सुबह लगाई थी उस बच्चे की। तो बच्चे सब खुश थे, हबीबुल्ला खुबैब हमारी बेटी हबीबुल्ला तो कह रहा था कि अम्मी ये हम चाचू को नहीं देंगे, ये हम अपने पास रखेंगे। मैंने कहा अम्मी वो भी घर दूर नहीं है, बच्ची है, अपनी अम्मी का दूध पिएगी। तो आज रात तो हबीबुल्ला सो गया तो उसे पता नहीं था। जब सुबह उसे पता चला वो भी रो रो के, उसका बुरा हाल था हबीबुल्ला का। हाँ, बच्चे बच्चे के दिल में उसने जगह बनाई, और टोटल बच्चे हर बंदा जितना भी बड़े थे उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जैनब को तो कुछ हो गया, ईशा को भी कुछ हो गया, गुड़िया को भी, सब बच्चे जो है ना सबके दिल में ऐसी उसने जगह बनाई थी। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम जो ना भूल जाए। बिल्कुल, ये नौ दिन, ये नौ दिन जो है ना सीरियसली सालों के बराबर हमें लग रहे हैं। पक्की बात है। हालांकि मैं कभी नहीं रोया, जितनी भी डेथें हुई हैं अल्लाह ताला की जात सब्र दे देती है, लेकिन रात में बहुत रोया और अकेले जाके रोया मैं। जब हम उसे घर पे ले के आए हॉस्पिटल से तो सब रो रहे थे, वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं रोया और मेरा आंसू भी नहीं निकला। तो एकदम जो है ना मुझे महसूस होने लगा कि मेरा दिल फटने लगा है, तो फिर मैं जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आके साइड पे जाके फिर मैंने जी भर के रोया, रो रो के फिर मैंने आंसू पूछे, फिर मैं अंदर गया और फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं 12 बजे घर चला आया अकेला, यहाँ पे कोई नहीं था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर, मेरा जो है ना ऐसे दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, काफ़ी मैं यहाँ पे फिर रोता रहा। अल्लाह ताला सब सबको सबर दे, आमीन। और मामी जान भी जल्दी ठीक हो जाए। उनकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं थी, अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है तबीयत उनकी। अल्लाह ताला उन्हें सबर दे, सबको सबर जमील अता फरमाए। दुआएं कर सकते हैं, और तो हमारे पास में कुछ नहीं है। रात से यही मसला हुआ, रात से उधर ही है हम भाभी जान के पास, बस अब वही दिलासे दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, फिर जो है ना जब कुछ हो जाता है तो गिर जाती है। अब तो सुबह से जो है ना उसे ड्रिप लगी हुई है, उसने अपनी बच्ची का मतलब मुंह देखा था बस, फिर वो जो उसे कुछ हुआ, अभी तक वो जो है ना बेहोशी हालत में है। अल्लाह ताला खैर करे। बाजी कमल भी वहीं पे है अभी तक? जी, अम्मी जान भी वहीं पे है, बाजी कमल भी वहीं पे है, बच्चे भी वहीं पे है, सब। वो मेहमान आ गए थे तो मैं उनको लेकर इधर आ गई, तो मैंने सोचा मैं भी अपने बहन भाइयों से कुछ जो है ना दिल का बोझ मैं हल्का कर लूं। सीरियसली किसी से शेयर करता है तो कुछ मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हम जो ना अब सब बहन भाइयों को अपनी ही फैमिली का हिस्सा समझते हैं, इसीलिए दिल करता है कि हर बात जो ना आप सब बहन भाइयों से शेयर करें। रोए ना यार, अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि ये जन्नत का फूल होते हैं और नेक रूह हैं जो थोड़े ही देर के लिए, थोड़े दिन के लिए इस दुनिया में आके फिर अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, और आखिरत वाले दिन जो है ना यही अपने वालदैन की उंगली पकड़ कर जन्नत में ले जाएगी। बहुत प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, और कुरतुल ऐन नाम उसका रखा यूसुफ भाई ने। पहले उसने नाम ढूंढा हुआ था कि मैं अपनी बेटी का नाम कुरतुल ऐन रखूँगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नहीं भाई आ गए, पंखे का शोर था तो इसलिए पंखा हमने बंद कर दिया ताकि ज्यादा शोर शराबा ना आए। मेरे हालात हुए हैं खराब पहले भी, मैंने सोचा कि जल्दी से भाग के जाऊं अल्ताफ भाई के पास ठंडे कमरे में, लेकिन पंखा चलाते हैं थोड़ी देर बाद अल्लाह खैर करे, तो वही हमने सोचा सब बहन भाइयों से भी शेयर कर लेते हैं क्योंकि सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल जी, अच्छी बात है, इसलिए हम हर बात आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। बिल्कुल, करनी भी चाहिए। हाँ, तो बस दुआ करें अल्लाह ताला उनके वालदैन को, हमें भी सबको सब्र जमील अता फरमाए। सब्र में
और वो बच्ची उनके समझ लें कि बख्शिश का जरिया बन के गई है। बिल्कुल, वो जन्नत का फूल था। बिल्कुल, तो इनको आखिरत में वालदैन को जन्नत में लेके वही बच्ची जाएगी बेशक। इसमें कोई बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं। बिल्कुल, तो उसकी जिंदगी इतनी थी, अफसोस तो सबको है। हाँ। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक उस बच्ची के वालदैन को, वो तो है बख्शी बख्शाई उसकी मौफरत के लिए। हाँ। तो क्या कहना, वो तो जन्नत का फूल था जो यहाँ से हमारा हमसे बिछड़ गई और जन्नत में वो फूल जाके खिल गया। और माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची थी, इतनी हसीन और प्यारी बच्ची थी, यकीन करे जब मैं देखता था, मैं कहता हूँ मैं जब भी मैंने मेरी नजर पड़ी है तो मैं उसी टाइम रोया हूँ। उतनी जितनी दफा मैंने देखा है उतनी दफा मैं रोया हूँ। हाँ, माशाल्लाह बाकी बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची थी। जब वो रात उसने यहाँ वो हॉस्पिटल लेके आए थे ना, दम लिया, जैसे हम बाहर लेके आए बारिश करने लगी। हाँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत तो से रहा रहा था कि देखे एक रहमत हमसे बिछड़ के जा रही है और देखे वो उसको लेके आ रहे थे और खुदा की रहमत, इतने दिनों से हम बारिश मांग रहे थे नहीं आ रही थी, लेकिन रात लग रहा था कि एक रहमत हमसे बिछड़ के जा रही है और एक रहमत खुदा के ऊपर से बरस। हाँ बिल्कुल। और बहन भी कुछ पूछ रहे थे, अली भाई आपके क्या लगते हैं, ये मेरे खाला जात भाई हैं, मेरी खाला के बेटे हैं, कजन हैं, हम सराकी में मसात बोलते हैं। जी मसात बोलते हैं। हाँ, तो ये मेरे कजन हैं। हमारा रिश्ता खाला जात तो नाम का है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो एक दूसरे के लिए हम हमारा रिश्ता जो रिस्पेक्ट है वो भाइयों से भी बढ़कर है, और जो एक दूसरे के लिए हम इज्जत करते हैं वो भाइयों से भी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसे इस रिश्ते को हमेशा कायम और दायम रखे, ये दुआ भी साथ करते हैं। तो यानी कि मेरी अम्मी जान और इसकी अम्मी जान दोनों बहनें हैं, सगी बहनें, सगी बहनें, एक खून एक माँ के पेट से वो जन्म उन्होंने लिया है, तो उन दोनों माओं से अलग अलग हम खालाजान। हाँ जी। और तो, ये मेरी फूफी जान की बेटी है। हाँ जी। मेरे अब्बू जान की बहन की बेटी है जी, मेरे मामा जान है। हाँ, और बच्चे हमारे तीन हैं, पहले भी काफी दफा बता चुके हैं, लेकिन कुछ बहन भाई न्यू जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता नहीं है। बड़ी बड़ी हमारी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, 14-15 साल उनकी एज है, और दो बेटे हैं जो आपको नजर आते हैं हर वीडियो में, हबीब और खुबैब। हाँ, खुबैब और हबीब। तो अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल में, बस एंड करते हैं वीडियो का, पंखा चलाते हैं। और आप सब तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, सबके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हमें भी सब्र दे, क्योंकि एक जन्नत का फूल हमसे बिछड़ कर गया है और 9 दिन गुजार के गई है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे सालों गुजार के गई हो हमारे पास। और माशाल्लाह वैसे भी लगती भी हो तकरीबन 1 साल से ऊपर की थी। यकीन करें बिल्कुल ऐसी बात है, 9 दिन की बच्ची कोई देख के मान ही नहीं रहा था, इतनी हेल्दी माशाल्लाह, और इतना कलर उसका ऐसा प्यारा था जैसे कपास का रंग होता है ना, वाइट, बिल्कुल इस तरह उसका रंग था, दिल करता था कि बस इसे देखते रहे, इतना अल्लाह ताला ने उसे प्यारा बनाया, बहुत हुस्न था। अल्लाह पाक को प्यारी चीजें शायद अल्लाह पाक को प्यारी लग जाती है, तो अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। चले जी, अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, सबके बच्चों को सलामत रखे। हाँ जी। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।